गुढ़ा करकट कभी खोल के ही नहीं देखा। आज का भारत में एक सबसे बड़ी जो हम लोगों की कमी है, गीता को कोर्ट में शपथ लेने के लिए रख दिया, लेकिन आज जरूरत है गीता को कोर्ट से निकाल के अपने हृदय में बिठाने का। फिर किसी को शपथ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो कहूंगा सच कहूंगा। जिस दिन गीता मन में बैठ गई सब सच ही बोलेंगे, लेकिन अभी गीता तो सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित रहेगी। तो जिसके घर में भी भागवत हो, जरूर आज घर जाकर के जो भागवत में कपिल देहूति जी का संवाद आया है, बड़ा ही अद्भुत है, उसको जरूर जाके पढ़िएगा, देखिए, समझिए कि क्या कपिल भगवान ने बताया और क्या हमको उसमें से ग्रहण करना। इसके पश्चात आकुति देहूति प्रसूति की कथा आई, दक्ष प्रजापति की कथा आई जिसको भगवान शंकर ने उद्धार किया। आगे मनु महाराज के बेटे उत्तानपाद की कथा आई, जिनके बेटे थे शिद्रुव महाराज। सभी जानते हैं ध्रुव जी को, जो 5 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ के वन में गए थे भजन के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ध्रुव जी अपनी माँ की वजह से भक्त बने। ठीक बात है, माँ ने उत्साह दिया, कहा भी कि तुम जाओ भजन करो, लेकिन जब संस्कार आपके जागृत हो जाएं तो बहाने तो अनेक बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी बने तो अपनी पत्नी की वजह से, पत्नी झगड़ी थी लड़ी थी इसलिए बन गए। पत्नियों के लड़ने से तुलसीदास जी बन जाएं तो यहाँ सारे तुलसीदास जी बैठे होते। सब फिर तो महात्मा बने बैठे होते। ये तो आज की सच्चाई है ना कि आदमी चाहता है कि उसको एक अच्छी पत्नी मिले, चंद्रमुखी, लेकिन चंद्रमुखी नहीं मिलती उसको, ज्वालामुखी है। एक बार जब फूटे तो बस सब बर्बाद। दो पति खड़े होकर के, एक आदमी, एक पति स्टेशन पर खड़ा खड़ा रो रहा था। उसने देखा कि उसके साथ में एक दूसरा पति खड़ा, वो भी रो रहा है। अब दो पति आपस में मिले, दुख सुख पूछा, भैया तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी इस ट्रेन से जा रही है अपने मायके, बड़ा दुखी हूं, कैसे रहूंगा उसके बगैर, इसलिए रो रहा हूं। अच्छा तू किस लिए रो, तेरी पत्नी भी जा रही है? बोला तू भाग्यशाली है, तेरी पत्नी जा रही है तू रो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि इसी ट्रेन से मेरी आ रही है, बस थोड़ा ही अंतर है, तेरी जा रही है मेरी आ रही है। तो ऐसे तो भाग्यशाली होते हैं जिनको धर्म पत्नी चंद्रमुखी मिलती है, वरना ज्यादा तो ज्वालामुखी की संख्या। अब पत्नी लड़ती है रोज पति से। अब पति ने सोचा इसको कैसे समझाऊं, कैसे ये झगड़ा बंद करे। अपने दोस्त को कहा तो दोस्त ने कहा कि देख भैया, तू एक पत्नी खुश तब रहती है जब तू उसकी बड़ाई कर, प्रशंसा कर, कितना भी वो कुछ भी करे कह दे अरे वाह 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 क्या बात है तुमने कितना अच्छा काम किया, बस बड़ाई कर दे वो खुश हो जाएगी, झगड़ेगी नहीं। अच्छा ठीक है, वो घर चला गया, घर उसकी बीवी ने भोजन बनाया। अब वो जब भी भोजन खाता था, जली रोटी, कभी नमक ज्यादा, कभी आज नमक ही भूल गई, आज उसको दोस्त की बात याद आई कि कुछ भी हो बस बड़ाई कर देना, बस सोचना मत।
अब तो उसने प्रशंसा के पुल बांधना शुरू किया। अरे वाह वाह, तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा देवी है, तुम तो दमयंती हो। अरे देखो तो सही, इतनी सुंदर रोटी तुमने आज तक कभी खाई नहीं, ऐसे जैसे चंदे जैसी। अरे वाह वाह, इस ग्लास में पानी नहीं, तुम्हारा हाथ लगते पानी तो अमृत बन गया। अरे वाह, क्या खीर बनाई है, खीर में इसमें चीनी की मिठास नहीं है, इसमें तो तुम्हारे प्रेम की मिठास है। बड़ी प्रशंसा की बड़ी पुल बांधी, पत्नी बेलन लेके आई। बोले क्या हुआ, आज क्यों गुस्सा हो गई? बोले 40 साल हो गए रोटी बनाते बनाते, आज तक बड़ाई की नहीं, आज होटल से क्या मंगा लिया, बड़ाई के पुल बांधे। आप बेचारा गया काम से, इतनी मेहनत की, इतनी बड़ाई की, सब पानी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि अभी आप जब जाओगे ना घर, मैंने कहा कि पढ़ो तो महाराज करदम और देवी देहूती का कैसा व्यवहार था, कितने कितने भाव श्रद्धा से सेवा में लगी रही, तो उससे आप लोग ग्रस्त में हो तो कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहो तो ग्रस्त को बहुत अच्छा बना सकते हो और चाहो तो नरक भी बना सकते हो। ये मैंने पहले भी कहा। तो श्रीध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान की भक्ति की और प्रभु को 5 वर्ष की उम्र में श्रीध्रुव महाराज ने प्राप्त किया। छोटी सी उम्र में प्रभु ने उनको दर्शन दिया। अंत में श्रीध्रुव जी काल के मस्तक पर चरण रख के सीधा भगवान के धाम जाते हैं और आज भी ध्रुव तारे के रूप में आप सब उनको आकाश में देखते हैं। एक बात अवश्य याद रखिए, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ना कोई उम्र की आवश्यकता है, ना कोई जाति की आवश्यकता है, ना धन की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। आप प्रेम से उनकी भक्ति कीजिए, प्रेम से उन्हें मनाइए, फिर आपके आपके जीवन में जितनी भी बाधा आएंगी प्रभु उनको अवश्य नष्ट करेंगे, ये प्रभु का वादा है। तो इस तरह श्री श्रीध्रुव महाराज की कथा आई। आगे महाराज पुरंजन की कथा आती है, उसको आप सब श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए हम सभी एक मिनट मीराबाई का एक बड़ा सुंदर भजन है जो मीराबाई बड़ा प्रसन्न होके गाती थी, नाचती थी संतों के साथ में। तो आइए सभी भाव श्रद्धा से उसको गाते हुए, और आप सब बड़े समझदार श्रोता हो, बार बार कहना ना पड़े, आप जानते हैं कि भगवान के नाम में जो नाचता है उसको फिर 84 लाख योनियों में कभी नहीं नाचना पड़ता। इसलिए सभी साथ में गाते हुए, सभी साथ में प्रेम से नृत्य करते हुए प्रभु को मनाते हुए। मैं देखूं जिस और सखीरे हो, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे
ही मुझको दिवाली, दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, कोई ना जाने प्रेम कहानी, कोई ना जाने प्रेम कहानी, जाने प्रेम कहानी। कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सभी से निवेदन है कृपया शांति से सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कथा के दर्शन और श्रवण के साथ साथ जो सभी दानदाता दानवीर जो अपनी रहस्य हम तक पहुंचा रहे हैं उनके पवित्र नामों की घोषणा, उसके बाद सीधे कथा की ओर चलेंगे। सबसे पहले हमारे दिवड़ा कॉलोनी की धरा को नमन करते हुए सम्मानित श्री खेमा भाई जी, रामा भाई जी पटेल साहब, डबा डोंगरा जिला दाहोद फतेहपुर से सीमेंट सहयोग करते हुए ऐसे पावन कार्य से जुड़ रहे हैं, और यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर पधारें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी श्रद्धालु भक्तबंधों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और मर्यादा के साथ कथा का दर्शन श्रवण करते हुए हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ ही जो आस्था चैनल के माध्यम से सभी दानदाता पूरे भारतवर्ष से विदेशों से इस कथा का दर्शन श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आप श्री के पवित्र नामों की घोषणा। सम्मानीय श्री सविता घोष जी हैं और नोएडा में विराजते हैं, 5000 रुपये की राशि निर्माण कार्य में सहयोग कर रही हैं सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामबती जी नांगलोई दिल्ली से निवेदन कर रही हैं और सीमेंट सहयोग करते हुए ऐसे पावन कार्य से जुड़ रहे हैं। सम्मानित श्री पवन कुमार जी गोयल दिल्ली में बरसते हैं और 5000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानित श्री सुभाष मारवा जी दिल्ली से ही और बड़ा ही पवित्र संकल्प आप श्री ने लिया है कि आजीवन प्रतिमाह 500 रुपये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में समर्पित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी हैं कारला दिल्ली से निवेदन कर रहे हैं 5100 रुपये की राशि के साथ। मंदसौर मध्य प्रदेश से गुप्त दान के रूप में कुछ सीमेंट सहयोग आया है। चेतना
मिर्चनवाड़ी मुंबई से निवेदन कर रही हैं और सीमेंट सहयोग करते हुए अपनी सहभागिता निभा रही हैं। दिल्ली से गुप्तदान आया है और 11,000 रुपये की राशि समर्पित करते हुए ईंटों का सहयोग हम तक तो पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन वेनकानी जी लंदन से निवेदन कर रहे हैं, देखिए पुनः भारतीय संस्कारों की सुगंध लंदन से हम तक पहुंची है, 50 पौंड की राशि समर्पित करते हुए सीमेंट सहयोग। रमेश लाल जी बागा पंजाब से निवेदन कर रहे हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र वीर साहब वीर सिंह जी जम्मू कश्मीर से निवेदन कर रहे हैं सीमेंट के सहयोग के साथ। और मनीषा जी मुंबई से 5,000 रुपये की राशि। लाल बहादुर जी खजरी गांव से गोरखपुर से सीमेंट सहयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। पुनः कथा की ओर चलें, उससे पहले एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहेंगे संपूर्ण ब्रज यात्रा वाहनों के द्वारा है, तो जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं श्रद्धालु भक्त लोग हैं वो किसी भी प्रकार का कोई तनाव या कोई परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पैदल नहीं चलना है। एक हफ्ता और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ रहे हैं मान्य करेंगे हम, उसके बाद हम क्षमा चाहेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करें, जल्दी से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करें। पुनः कथा की ओर, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। तो आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हुए जो श्री मनु महाराज की दूसरे बेटे की कथा आती है, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने। श्री प्रियव्रत जी जो कि प्रभु के बड़े भक्त थे, घर द्वार छोड़कर के ये जंगल में गए भजन करने के लिए, लेकिन श्री ब्रह्मा जी वहाँ आए और आके इन्हें समझाया कि भगवान चाहते हैं आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें और इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो श्री प्रियव्रत महाराज प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने घर आए, विवाह किया, इनको संतान हुई। श्री प्रियव्रत राजा ने 11 अबुर्द वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया। कथा आती है कि एक बार इन्होंने देखा कि जो सूर्य भगवान है ये सुमेरु सबसे बड़ा पर्वत है, सूर्य भगवान सुमेरु की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के आगे के भाग को प्रकाशित करते हैं। तब इनको बड़ा क्रोध आया और संकल्प लिया कि मैं दिन में रात कर दूंगा। तब ये एक रथ पर बैठ के सूर्य के समान तेज गति से पृथ्वी की इन्होंने 7 परिक्रमा की, जिस रथ की लकीरों से 7 समुद्र बने, जिसको आज आप कहते 7 समुद्र पार, 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। इन्हीं पृथ्वी में 7 द्वीप हुए, जिनमें एक हुआ जम्बूद्वीप जिसमें हम और आप सभी रहते हैं। इसका राजा इन्होंने अपने बेटे अग्निद्र को बनाया। अग्निद्र का विवाह हुआ, अग्निद्र ने पृथ्वी के इस 9 भूखंड किए, जिनमें से एक खंड हुआ अजनाव खंड, जिसको अब हम कहते हैं भारत। इसके राजा हुए महाराज ऋषभदेव के बेटे, जिनका नाम था भरत। इस अजनाव खंड का नाम भरत जी के नाम से पड़ गया भारत। तो इस देश के राजा श्री भरत महाराज हुए। भरत जी अपना घर द्वार छोड़ के गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया में रहने लगे। एक बार ये गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक इन्होंने देखा कि एक हिरनी जो थी मृगनी, वो उस नदी में जल पीने आई। जब वो जल पी रही थी, वो उस समय गर्भवती थी, तो जब वो जल पी रही थी तो उस नदी के दूसरे किनारे पर एक शेर खड़ा था। जैसे हिरनी ने जल पिया, सिंह ने शेर ने बड़ी तेज दहाड़ मारी, और जैसे उसने दहाड़ मारी वो हिरनी एक साथ घबराई
और उसी समय उस हिरणी का प्रसव हुआ। बच्चा पानी में गिरा और वो डर के मारे उस बच्चे को वहीं छोड़ करके वहां से भाग गई, एक गुफा में अंदर गई, गुफा में एक पत्थर से टकराई और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब वो बच्चा असहाय था, पानी में बह रहा था। भरत जी ने सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हाथ में जल लिया और उनके हाथ में वो हिरणी का बच्चा आया, वो मृग शावक आया। अब मन में एक विचार आया कि इसको छोड़ दो, फिर दूसरा विचार आया कि नहीं, ये तेरी शरण में आया है और जो शरण में आए उसकी रक्षा नहीं करना ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, चलो इसको घर ले जाता हूं, इसकी रक्षा करता हूं। ले आए घर, लेकिन कहते हैं कि ये माया कब किस रूप में आगे आ जाए किसको पता। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भारत का राज्य छोड़ा, ये अजनाव खंड, ये प्रजा, सब कुछ छोड़ी, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े और आके अटके तो एक हिरणी के बच्चे में। लाए थे कि रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षा करते करते ऐसा मोह फंसा कि अब तो ना खुद का होश, ना भगवान का होश, ना भजन का होश, अब तो उसी में मस्त हो गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इंसानों से ज्यादा पशु में प्रेम जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पशु वफादार होता है, इंसान तो धोखा देता है, ये है वो कहते हैं, लेकिन जरूर आप याद रखिए, आजकल का तो ऐसा फैशन बन गया कि जब तक आपके घर में दो चार कुत्ते ना हो आपका तो घर घर ही नहीं रहता। रक्षाबंधन के दिन लड़कियां कुत्तों को राखियां बांधती है, ये हमारा भाई है, अब कुत्ते की बहन कौन होगी। भाव रखिए, रक्षा कीजिए, सम्मान रखिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। हिरणी के बच्चे में फंसे, अपना भजन पूजा छोड़ा, एक दिन अंतकाल आया, मन हिरणी के बच्चे में था इसलिए अगले जन्म में भरत जी एक हिरण बने, उस जन्म को छोड़ा, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया जहां पर उन्होंने प्रभु की भक्ति की। राजा रहुगण को उन्होंने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, भवाटवी का वर्णन किया, किस तरह जीव इस संसार में उलझा हुआ है, कैसे इससे बच सकता है, ये श्री भरत महाराज ने राजा को समझाया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा मांगी और ज्ञान प्राप्त करके राजा अपने देश को वापस गया। तो ये मनु महाराज का वंश हुआ, तीन बेटियां, दो बेटे, जिनका आपने बड़े ही संक्षेप रूप में श्रवण किया। ये सृष्टि फिर आगे बढ़ती गई, महाराज प्रियव्रत की और संतानें हुई। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नरकों का वर्णन श्रवण कराते, नरकों का वर्णन हुआ जिसमें 28 प्रकार के मुख्य नरक बताए हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसे नरक में उसको जाना पड़ता है। लेकिन नरकों से बचने का एक बड़ा ही साधारण सा उपाय भी तुरंत सुखदेव जी ने बता दिया कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, अगर उसने भगवान के नाम की शरण पकड़ ली तो उसको ये नरक स्वर्ग सबसे ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साक्षात उदाहरण है ब्राह्मण अजामिल। ब्राह्मण जो थे अजामिल, कान्य कुब्जे द्विजे कश्य दासी पाते रजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। ब्राह्मण थे, ज्ञानी भी थे, लेकिन एक दासी के बहकावे में ऐसे आए, अपना कर्म धर्म सब भूल गए, उस वेश्या उस दासी के साथ रहने लगे, चोरी करना शुरू किया, पाप करना शुरू किया। लेकिन एक बार इनके घर संत आए,
संतों को भोजन खिलाया तो अब संत जाने लगे। संतों ने कहा कि भैया तुमने बड़ा भाव से भोजन